हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोली एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में, जो कि इतिहास सीरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर वनडे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा, जो भी नए व्यूअर्स हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में। तो पहला मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है। पूरी यहाँ पर रहन नहीं होगा, उड़ीसा के कोणार्क शहर में सूर्य मंदिर स्थित है। आगे बात करें तो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर राज्य जिले में स्थित है। और लिंगराज मंदिर, यह भी उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में दो महत्वपूर्ण मंदिर है, पहला जगन्नाथ मंदिर, दूसरा लिंगराज मंदिर। आगे बात करें तो रामनाथ स्वामी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। और रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक शहर में स्थित है। आगे बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। और राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु के अम्मायप्पन नामक शहर में स्थित है। आगे बात करें तो नटराज मंदिर, नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम जिले में स्थित है। और बात करें तो राजगोपाल मंदिर, यानी कि यो जो भी तमिलनाडु में काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, जैसे रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, राजगोपाल स्वामी मंदिर, ये तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर है जो कि तमिलनाडु के विभिन्न विभिन्न शहरों में स्थित हैं। बात करें तो अगला वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है और काफ़ी यात्री यहाँ पर वैष्णो देवी के दर्शन भी करने जाते हैं। काफ़ी आस्था है इस मंदिर से हिंदू धर्म की। तो ये वैष्णो देवी मंदिर जो जम्मू कश्मीर के रियासी नामक शहर में स्थित है। बात करें तो अगला जम्मू कश्मीर का मंदिर अमरनाथ गुफा मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में स्थित है। बात करें खजुराहो मंदिर की, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश के रायसेन नामक जिले में स्थित है। बात करें तो आगे बात करें तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर जो कि हिंदू धर्म से काफ़ी संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश के काशी शहर में स्थित है। बात करें सोमनाथ मंदिर, जिसे मुसलमानी जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा लूट भी लिया गया था, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। बात करें तो द्वारकाधीश मंदिर, ये भी गुजरात के द्वारका शहर में स्थित है। यानी गुजरात में सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर जो कि गुजरात के क्रमशः सौराष्ट्र और द्वारका में स्थित है। बात करें तो अगला मंदिर की, तो अगला मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है। हम्पी से आपको याद आया होगा कि ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आगे बात करें तो गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और रनकपुर मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ये रनकपुर मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। बात करें तो मुंबई की, तो सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। और स्वर्ण मंदिर जो कि हरमिंदर साहब मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है और सिख धर्म से संबंधित है, ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर की, तो बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली शहर में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और गंगोत्री मंदिर भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो यानी कि ये तीन इम्पोर्टेंट मंदिर जो कि उत्तराखंड के हैं, वो उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ मंदिर और उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर और उत्तरकाशी में गंगोत्री मंदिर भी स्थित है। तो ये बात हुई आपके महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में। इसी प्रकार मैं इतिहास की और भी वीडियो आपके तक लाता रहूँगा। ये है एंड इस वीडियो का, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।